हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम होली की सबसे इम्पॉर्टेंट डिश गुजिया बनाएंगे, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ लगभग 200 ग्राम खोआ लिया है। इसके बाद हम एक नॉर्मल दाल की कटोरी से आधी से थोड़ी कम फाइन वाली सूजी लेंगे। इसके बाद उसी कटोरी से आधी कटोरी चीनी लेंगे। चीनी के बाद हम यहाँ लेंगे ड्राई फ्रूट्स, ये काजू, पिस्ता और बादाम हैं, आप अपने मनपसंद कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद ये एक से एक बड़ा चम्मच चिरौंजी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद ये 7 से 8 इलायची है, इसका हम पाउडर बना के लेंगे। उसके बाद हम डो के लिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए और थोड़ी सी घी चाहिए। घी से हम मोयम रेडी करेंगे। सबसे पहले डो रेडी कर लेते हैं, क्योंकि जब तक स्टफिंग बनाएंगे तो डो अपना सेट होगा। इसमें हम मैदा डालने के बाद थोड़ा थोड़ा घी ऐड करेंगे। घी हमको इतना ऐड करना है, हाथ से पहले रब करते जाएंगे और घी इतना ऐड करना है कि ये मैदा अच्छे से बाइंड होने लगे। इससे गुजिया बहुत खस्ता बनती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे और इसको एक गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे जब तक हम स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, ये लगभग 1 चम्मच है। इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लेंगे। जब ये हल्के गोल्डन कलर के हो जाएं, इसके बाद इसको निकाल लेंगे और इसको हमको बस हल्का सा क्रश करना है। एक दरदरा सा पेस्ट रेडी करना है, या तो आप मिक्सर में चला लें, नहीं तो मैशर में ग्राइंड कर लें, मैशर में इसको कूट लें हल्का सा। इसके बाद इसी घी में हम सूजी को डाल के इसको भी भूनेंगे, ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, ये सूजी हमारी भुन जाएगी। इसके बाद इसी कढ़ाई में हम खोआ को भी भूनेंगे। खोआ में कोई घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेल्ट होगा तो अपने आप घी छोड़ेगा। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमको भुनना है, क्योंकि थोड़ा भी फ्लेम तेज होगा तो खोआ नीचे से जल जाएगा और अच्छे से ये भुनेगा नहीं। भुनने के बाद इसमें अच्छे से स्मेल आने लगती है और इसके कलर भी हल्का सा चेंज हो जाता है। अब ये खोआ और सूजी को मैंने एक बोल में निकाल लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें इस चीनी का मैंने पाउडर बना लिया था, उसको ऐड कर देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। इसके बाद ये चिरौंजी डाल देंगे और इलायची को मैंने पाउडर बना के ले लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। इलायची से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसमें चाहें तो नारियल भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ऐड नहीं किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम डो को चेक कर लेते हैं। ये डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसको हाथ से थोड़ा सा रब करेंगे और इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप दे के इसकी छोटी छोटी हम लोई तोड़ लेंगे। ये पूरी के बराबर लोई है और इसका हमें इसको हम बिल्कुल मतलब बहुत पतला नहीं, बट इसको पतला बेलेंगे, क्योंकि इससे गुजिया बहुत अच्छी बनती है। आप एक नॉर्मल पूड़ी के साइज़ का बेलिए, बट मैं सांचे से बनाऊंगी तो सांचे पे रख के देख लीजिए, अगर शेप आ रहा है तो सही है। अब एक गुजिया मैं स्टफ करके दिखाती हूँ। इसको रख के चारों तरफ ऐसे पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद हमको स्टफिंग को अच्छे से भरना है। मैंने 2 चम्मच स्टफिंग भरा है, साइड से दबा के इसको निकाल लेंगे और ये गुजिया हमारी बन के रेडी हो जाएगी। एक मैं बिना सांचे के भी दिखाती हूँ। कटोरी के ऊपर पूड़ी रख के साइड साइड पानी लगा के हाथ की हेल्प से हल्का सा इसको ऐसे पकड़ के चारों साइड से पैक कर देंगे। पैक करने के बाद ऊपर से एच पे इसके फिर से पानी लगाएंगे और ऐसे करके इसको फोल्ड करते जाएंगे। इससे एक अच्छी सी डिज़ाइन भी आ जाती है और इसको खुलने का चांस भी नहीं रहता है। तो अगर सांचे नहीं है तो आप इस तरीके से भी गुजिया बना सकते हैं। ये मेरी गुजिया बन के रेडी हो गई है। इसको आधे घंटे के लिए हम पंखे में छोड़ देंगे। जब ये सूख जाए तब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर गुजिया को धीरे धीरे डालना है और डालकर अच्छे से इसको गोल्डन होने तक हमको फ्राई करना है। गुजिया को अगर थोड़ी देर छोड़ के हम तलते हैं तो इससे गुजिया क्रिस्पी होती है और इसको रखने के बाद भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये गुजिया हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और ये सर्विंग के लिए रेडी है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, 10-15 दिन तक, और ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। इफ़ यू लाइक द फ्लेवर ऑफ माई रेसिपीज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।